डोईवाला के रानी पोखरी में आंचल दुग्ध उत्पादन के 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने मेले में लगे दर्जनों विभागों के इंस्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि आंचल बहुत कम समय में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, जिसमें सरकार के साथ साथ किसानों की भी अहम भूमिका रही है। इसके तहत उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने दुग्ध उत्पादन के किसानों की हौसला अफजाई के लिए प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित भी किया। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। आज जो हम लोग आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे उच्च स्तरीय जो अधिकारीगण हैं, श्री पुरुषोत्तम सर अभी आए थे, पूरा विजिट किया, और डायरेक्टर साहब खितवाल सर और जो जयदीप अरोड़ा सर जो हमारे MD हैं, उनके दिशा निर्देशन में ये सब कार्यक्रम हम लोग संपादित कर रहे हैं। गांव-गांव से हमारी जितनी समितियां हैं, गांव हैं सब, विधानसभा में या विकास नगर हमारी, पूरे जिले से, हर ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को यहाँ ला करके जो सरकार द्वारा योजनाएँ हैं उनके बारे में उनको बता रहे हैं और कि किस तरह से हम योजनाएं अपनी उनको फलीभूत कर रहे हैं। कार्यक्रम है माननीय मंत्री जी ने अभी वर्तमान रूप में केवल 6 जिलों में किया है, लेकिन आज उनके द्वारा माननीय मंत्री द्वारा घोषणा किया गया है कि अब हम अगले वर्ष से प्रदेश के प्रत्येक जिलों में यह कार्यक्रम करेंगे। देखिए, आंचल की तरफ से एक कोशिश करी गई है विभाग की तरफ से कि हम पब्लिक अपनी आउटरीच बढ़ा सकें, जनता को अपने विभागों की योजनाओं से अवगत करा सकें। जब लोग मेले में आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादों को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जितने भी, चाहे वो जलेबी बन रही हो, चाहे वो टिक्की बन रही हो, सब आंचल की घी में बन रही है। हम कोशिश हमारी यही है कि जनता के बीच जाके जनता को आंचल के योजनाओं के बारे में, पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, मत्स्य विभाग, हमारे दूसरे विभागों के यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, तो लोगों को जानकारी भी सरकारी योजनाओं की मिल जाए और लोग आंचल को कहीं ना कहीं ट्राई करके आंचल के साथ जुड़ सकें। नहीं, नाराज़गी नहीं थी। हमारे यहाँ जनरल भुगतान जो है वो 1 से 7 महीने में होते हैं, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि हम चाह रहे हैं कि दिवाली सबके लिए शुभ हो, दिवाली सबके लिए मंगलमय हो और सारे लोग अपने परिवार के साथ दिवाली अच्छे खुशी खुशी मना सकें। तो जितनी भी पेंडेंसी थी लगभग 18 करोड़ के आसपास की, वो हम दिवाली से पहले लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लगातार हमारी तैयारी चल रही है, हमारी सारी मिलों में रिपेयर के काम चल रहे हैं, मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जब गन्ना चीनी मिलें शुरू होंगी, लगभग हमने 15 नवंबर के आसपास का टारगेट रखा है, तो सारी मिलें सुचारू रूप से चलेंगी भी और किसानों को सुविधा भी पूरी मिलेगी।